नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। लगभग लगभग तैयार हो चुका है खाका नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का। विचार विमर्श लगातार चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, हालांकि कुछ सूत्रों के हिसाब से तो आज ऐलान भी हो सकता था, लेकिन अभी तक आपको बताएं कि जिस तरह की सूरत हाल है उसमें संभावित मंत्रियों की सूची हम आपके सामने रख सकते हैं। वेंकैया नायडू, गोपीनाथ बन सकते हैं मंत्री, ये चंद ऐसे नाम है जो चल बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन अब मुहर इन पर तय है। उमा भारती, मेनका गांधी भी संभावितों की सूची में शामिल हैं। पीयूष गोयल मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर के तौर पर सुमित्रा महाजन का नाम सामने आ रहा है। अभी तक बहुत अलग अलग नाम चले हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन का भी नाम एक स्पीकर के तौर पर सामने आ रहा है कि हो सकता है वो स्पीकर हो। सबसे लंबे वक्त तक किसी महिला ने अगर संसद में कदम रखा है तो सुमित्रा महाजन मेरा ख्याल है। उमा भारती, मेनका गांधी, ये सब शामिल हैं। और आलोक जी, हालांकि बहुत हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक अपनी जुबान से ऐलान नहीं करते हैं तब तक बोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजनाथ, सुषमा, गडकरी ऐसे नामों पर फैसला अभी बाकी है। बाकी सब संभावित हम सामने रख रहे हैं, इन सबका कि विभाग आखिर क्या हो सकता है। बड़े नेता हैं, बड़ा विभाग चाहिए। देखिए, फैसला इसीलिए मुश्किल हो रहा है कि ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें कोई कारपोरेट का हित ना दिखाई दे, कहीं दूसरी गड़बड़ ना दिखाई दे, और सबके बीच में तालमेल हो। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसी प्रक्रिया में है और सारे लोगों से बात करके करेंगे। लेकिन आपने जैसे सुमित्रा महाजन का नाम लिया, वो 7 बार चुनाव जीती हुई हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए इस आधार पर नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर स्पीकर बने। और वैसे अडवाणी जी का नाम था, लेकिन अडवाणी जी को बड़े सम्मान के साथ रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक संतुलन बनाने की कोशिश अंतिम क्षणों तक हो रही है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने ऐसे दृश्य देखे हैं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की तुलना कुछ हद तक इंदिरा गांधी युग से करता हूँ, एक बहुमत के साथ जब वो थी। राष्ट्रपति भवन में जब हम कवर करने जाते थे तो कई बार, जैसे आपने यहाँ कुछ कुर्सियाँ कम हो गई ना, जब वहाँ पहुँचते थे तो जिनके नाम की कुर्सी है, मतलब हो सकता है, तो उसके बाद पता चला उसकी कुर्सी हट गई है, वहाँ जाके उसको पता चला उसका नाम कट गया। तो ये परंपरा भी रही है कि यदि किसी का कोई गड़बड़ आखिरी समय में सामने आ जाए कि साहब इन्होंने, इनके ऊपर यदि मंत्री बन जाएंगे तो मोदी जी पर उसके छींटे आ सकते हैं। उनके ऊपर यदि कोई गंभीर आरोप है, चाहे वो कॉमनवेल्थ में हो या किसी और घोटाले में हो, कोयला में हो, पानी में हो, इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा नाप तोल करके मंत्रिमंडल बनाएंगे, ताकि कल आपके चैनल पर हम और आप ये कहते ना दिखाई दे कि इनके घोटाले को पहले नहीं माफ कर दिया, भ्रष्टाचार की सरकार फिर आ गई। मैं आप नहीं कहेंगी, कोई और कहेगा। तो मुझे लगता है फिर मीडिया कटघरे में आ जाएगा, आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। उसको संभालने की कोशिश हो रही है, और हम लोग इसलिए शुभकामना आपके साथ दे सकते हैं इस चैनल पर कि ऐसे मंत्री आए जिसकी एक स्वच्छ छवि हो, जिस मुद्दों को आपने उठाया है, ऐसे मंत्री काफी हद तक आने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो फिर छटनी हो जाएगी, ये भी उम्मीद करना चाहिए। सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। मैं आपसे पहले पूछूं, या राकेश सिन्हा जी अभी जुड़े हैं, उनका परिचय भी करा देते हैं। आरएसएस विचारक हैं, और यहाँ पर चूंकि जब भी बीजेपी सरकार की बात होती है तो ये हो ही जाता है कि संघ का कितना, कि कितनी पकड़ रहेगी, क्या संघ के हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ दरअसल रिमोट कंट्रोल जुड़ नहीं सकता है, लेकिन छाप कितनी रहेगी संघ? देखिए, संघ का रिमोट कंट्रोल तब होता है जब गैर संघी लोग वहाँ होते हैं। ये तो जब सब संघ के स्वयंसेवक ही हैं और परिपक्व स्वयंसेवक हैं। देखिए, एक बात, संघ ने नीतिगत रूप से फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रवादी कारणों से, वैचारिक कारणों से मदद करते हैं, सत्ता में लाने के लिए मदद करते हैं, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी दो अलग संगठन, दो अलग कार्य करने का तरीका, दो अलग प्रकृति के संगठन हैं। इसलिए संघ ने समय समय पर काम किया है। श्वेता जी, आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं संघ बीजेपी के संबंधों को। 1977 में भी संघ ने काम किया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संघ फिर अपनी गति से अपना काम करते रहा। संघ ऐसा करता है इसीलिए तो मंत्रिमंडल बनने के बाद अपनी गति से अपना काम हो गया, या मंत्रिमंडल बनने से पहले? मंत्रिमंडल बनने में इतना ही है कि संघ की अपेक्षा जो है कि जो साफ छवि के लोग, और बेसिकली ये चुनौती जो है वो कांग्रेस को हटाने की सिर्फ चुनौती नहीं है, अब एक सकारात्मक चुनौती है कि देश आपसे गवर्नेंस मांग रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक साफ सुथरी सरकार। उसमें संघ की अपेक्षा यही रहेगी कि जो अच्छे परिपक्व लोग हैं और जो कार्यकर्ता की तरह हैं, सिर्फ बड़े नाम ही ना हो, जो कार्यकर्ताओं की भी जो छवि है, एक संदेश जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं रहता है जो बड़े नाम हैं, अर्थात निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक होलिस्टिक एटीट्यूड अपनाना यह महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का जो मंत्रिमंडल आएगा वो उससे देश संतुष्ट होगा, सिर्फ पार्टी नहीं, देश संतुष्ट होगा। सुधांशु जी, अच्छे परिपक्व और वरिष्ठ के बीच संतुलन बनाना कितना आसान, कितना मुश्किल? मैं पहले तो एक वो जुमला था, आदमी मरा सो जानी जब तेरी हो जाए, तो ठीक है
तो यहाँ तो अभी इसलिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सब कयासों में मैं अभी पढ़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक चीज जो राकेश जी कह रहे थे उसी के आगे एक और जाता हूं, कार्यशैली की परिपक्वता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो इस सरकार में निकलेगा कि जिसको लेके आ रहे हैं उसकी कार्यशैली की सामर्थ्य भी है कि नहीं है वो, क्योंकि जनता की आपने कहा ना आकांक्षाएं बहुत है, तो सुशासन अगर देना है तो वहां पे जो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है उसकी परिपक्वता जरूर होनी चाहिए सुशासन देने की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो एक रिजर्वेशन रहता है कि यार पहली बार जीत कर आए हैं अभी उनको कुछ दिन एमपी बन लेने दीजिए, और उस वजह से बहुत सारी चीजें उनकी काबिलियत भी दरकिनार हो गई। ये अगर आप मसलन जनरल वीके सिंह, नहीं नहीं मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ, अरुण जेटली जी 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने, वो तब तक जो है तब तक सांसद भी नहीं थे, मंत्री बनने के बाद फिर वो सांसद बने हैं। तो भाजपा की सोच में या भाजपा की सरकारों में ये मापदंड जो है ये प्रमुख नहीं है, व्यक्ति की क्षमता और व्यक्ति सुशासन देने में कितना परिपक्व है। और मैं एक मानता हूं कि बड़ा एक संतुलित और बड़ा ही सक्षम मंत्रिमंडल जो है आप मोदी जी के नेतृत्व में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने आज तक देखे, नेतृत्व के लिए क्या चाहिए होता है, आंख में स्वप्न और पेट में आग। इतने दिनों से वो स्वप्न लेके चल रहे हैं कि देश के लिए मुझे सेवा कैसे करनी है, तो बहुत कुछ सोच रखा है। अच्छा, इतने साल से संगठन में रहे हैं तो व्यक्तियों का मूल्यांकन और व्यक्तियों के बारे में जानकारी उसकी भी पर्याप्त है उनके पास। तो इसलिए मैं अभी कोई कयास नहीं लगाना चाह रहा कि कौन आ गया कौन। वैसे जो नाम आपने अभी तक दिए हैं, अगर आप जो जीत के आए हैं या जो भाजपा के अंदर सक्रिय लोग हैं उनकी लिस्ट निकाल दीजिए तो स्वाभाविक तौर से ही नाम आ जाते हैं। वेंकैया नायडू स्वाभाविक नाम है, मेनका जी 8 बार की 9 बार की जीती हुई है, स्वाभाविक नाम, मतलब इस तरह के नाम स्वाभाविक है। चलिए खबर क्या आ रही है, क्या घोषणा हो सकती है, ये सारी चीजें भी जान लेते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं अभी तक और कितनी पुख्ता? देखिए, पुख्ता ही है, जिन पे चर्चा हुई है, जिनके नाम पर इन्होंने विचार किया सीरियसली। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कैबिनेट को शेप दिया है उसमें जो मेन मुख्य तौर से हैं श्वेता, उसमें राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली हैं, और स्पीकर के तौर में सुमित्रा महाजन जो 8 बार से सांसद हैं उनको स्पीकर के लिए इन्होंने तय किया है कि स्पीकर उनको बनाया जाएगा। वेंकैया नायडू हैं, पार्टी अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट में, बंगारू दत्तात्रेय हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, पीयूष गोयल हैं, हंसराज अहीर हैं, राव साहिब दानवे हैं, रविशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने राम मंदिर का केस भी लड़ा था, एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे थे वो हैं, रूड़ी का नाम भी है, और मेनका गांधी जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, कलराज मिश्र को मंत्री बनाया जा रहा है, दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्री बनाया जा रहा है, रतनलाल कटारिया हरियाणा से हैं, किशनलाल गुर्जर हैं, जनरल वीके सिंह जो कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जनरल जो रिटायर हुए थे हाल ही में उमा भारती को बनाया जा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ये अनंत कुमार हैं गोवा से, श्रीपद नायक हैं, और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो जो सिंगर हैं पहली बार चुनाव जीत करके संसद पहुंचे हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये तमाम नाम हैं और बहुत छोटी कैबिनेट नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं, डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट अशोक जी क्या, और कई कई मंत्रालयों को बना करके एक मंत्रालय बना रहा है। साथी दलों के नाम कम दिख रहे हैं जितने नाम हम चला रहे हैं। नहीं, अभी साथी दलों के नाम इसमें नहीं है, जो मुझको जानकारी मिली है श्वेता, इसमें साथी दलों के नाम नहीं है, क्योंकि बिहार में जैसे पासवान की पार्टी से गठबंधन है तो उनकी पार्टी से कोई ना कोई सांसद बनेगा, जो अपना दल है उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हैं उनका नाम की चर्चा है, TDP से नाम की चर्चा है, शिवसेना को लेकर अभी तय नहीं है, शिवसेना के लोग अभी दिल्ली नहीं आए, उनकी मीटिंग होनी है, वो तय करेंगे कि कैसे क्या फैसला लेना है उनको। अकाली दल कह चुका है कि हम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बातचीत चल रही है, तो अभी साथी दलों से नाम आने बाकी हैं, वो फैसला हालांकि कर चुका है, ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये नाम सामने आ सकते हैं। श्वेता जो जी, इसमें शायद यदि वो जुड़े हुए होंगे तो जैसे मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं ले रहे हैं और कलराज मिश्र का नाम है। श्वेता एक बात तथ्य और मेरा ख्याल सुधांशु जी जानते हैं इस बात को, कलराज मिश्रा राजनाथ सिंह जी से ज़्यादा सीनियर है, कलराज मिश्र को लिए जाने से
जो एक वोट का एक अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर है, एक ये संकेत भी है कि ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह जी सुप्रीम है, सुप्रीम सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। और कलराज मिश्र का भी जो अनुभव है, जो अभी बात कही जा रही थी, कि अनुभव लोग भी हों और नए लोग भी हों। दूसरा, मुरलीधर जोशी का ना होने से ये भी साबित होगा कि दो बुजुर्ग लोगों को यदि अडवाणी जी नहीं है तो डॉक्टर जोशी भी नहीं है। एक बार स्पष्ट भी कर लेते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है उसमें अशोक जी? बिल्कुल श्वेता, अडवाणी और जोशी को लेकर कोई फैसला नहीं किया। अडवाणी जी स्पीकर बनना चाहते थे, उन्होंने मैसेज करवाया था कि वो स्पीकर बनने की इच्छा व्यक्त की थी उन्होंने, लेकिन स्पीकर क्योंकि सुमित्रा महाजन को तय किया गया है तो अडवाणी और डॉक्टर जोशी का नाम नहीं है, क्योंकि 75+ श्वेता ये फैसला किया गया था, 75 साल से ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इस संघ की तरफ से ये फैसला हुआ था क्योंकि शांता कुमार बनते फिर तमाम लोग थे, उधर खंडूरी थे, भगत सिंह कोश्यारी थे, तो ये विचार हुआ था कि 75 साल से ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अडवाणी जी स्पीकर बनना चाहते, उनको लगा कि अडवाणी जी का स्ट्रेचर इतना बड़ा है, डिप्टी पीएम रह चुके हैं, तो स्पीकर पद उनके लिए उतना ठीक नहीं लगेगा कि उनको स्पीकर बनाया जाए, तो ये विचार हुआ था कि 75 साल के ऊपर नहीं बनाया जाएगा। तो हो सकता है गवर्नर बना के भेजा जाए डॉक्टर जोशी को, या कोई और पद उनको दिया जाए। अडवाणी जी के बारे में और जोशी जी के बारे में अभी उस ढंग से फैसला नहीं लिया गया, और ये कैबिनेट में तो कम से कम नहीं होंगे दोनों, ये तय किया गया। चलिए, इस अहम इंफॉर्मेशन के साथ हमको ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम जरूर राय जानेंगे। सुधांशु जी, आपको फंसाऊं मैं इस सवाल में या नहीं फंसाऊं? चलिए इस ब्रेक के बाद चर्चा होगी। जाए नरेंद्र मोदी के सिपहसालार कौन कौन हो सकते हैं, खाका लगभग तैयार है, हम नाम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से कि दरअसल कौन से हैं वो चेहरे, कौन से हैं वो नाम जो शामिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। ये मंत्रियों की लगभग फाइनल लिस्ट है जिसमें आप राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सबके नाम इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन चंद नामों को लेकर अभी पशुपेश है क्योंकि वरिष्ठता की सूची में वो इतने ऊंचे हैं कि आप उन्हें आखिर कौन से मंत्रालय देंगे। कुछ नाम आप यहां से गायब भी देखेंगे, आप इसमें मुरली मनोहर जोशी नहीं देखेंगे, अटल लालकृष्ण आडवाणी नहीं देखेंगे, लेकिन नए नाम जरूर आप इस सूची में देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था, हालांकि संकेतों में ये बातें छन छन कर बाहर आई हैं कि वो एक बड़ा मंत्रिमंडल नहीं चाहते हैं, छोटा चाहते हैं, उस पर हम चर्चा अपनी आगे करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर एक ऐसे वरिष्ठ नेताओं की बात आ चली है जो चुनाव से पहले भी प्रचार के दौरान बहुत सा पशुपेश का दौर गुजरा है, आपने अभी कहा राकेश जी कि जो परिपक्व हैं और जो काबिल हैं उन्हें मंत्रिमंडल में रहना चाहिए, वरिष्ठ उस सूची में कहां रहते हैं? देखिए, पार्टी में जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो कई बातों का ख्याल रखा जाता है, उसमें एक तो वरिष्ठता का तो निश्चित रूप से ख्याल रखा जाता है। जो वरिष्ठता एक सब्जेक्टिव है, जो लोग अति वरिष्ठ हो गए, जिनकी जोशी जी और अडवाणी जी की बात कर रहे हैं, इनकी भूमिका एक मार्गदर्शक की भूमिका पहले भी पार्टी ने कही और इनका पार्टी में बहुत उपयोग है। सिर्फ मंत्रिमंडल में आना ही पार्टी में कार्यकर्ताओं का उपयोग नहीं होता, या सांसद बनना ही पार्टी में कार्यकर्ताओं का उपयोग नहीं होता। लेकिन देखिए, सोनिया गांधी की भूमिका जैसे देखते हुए, जब यूपीए की सरकार थी तो उनके पास कैबिनेट स्तर का ही चीजें उन्हें मिला करती थी, लेकिन कोई मंत्री पद उनके पास नहीं था, ऐसी चीज तो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है। देखिए, सोनिया गांधी की परिस्थिति अलग थी, सोनिया गांधी एक पावर सेंटर थी, और पावर सेंटर क्या था, मूल पावर सेंटर वह थी, प्रधानमंत्री एक मुखौटा थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अगर आपको इफेक्टिव गवर्नेंस देना है तो इस संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को अहमियत देनी पड़ेगी, और प्रधानमंत्री को कुछ अधिकार जो संसदीय व्यवस्था में मिलता है, जिन अधिकारों का क्षरण हुआ है, उस क्षरण से प्रधानमंत्री को बचाना होगा। और मुझे लगता है जो पार्टी को बहुमत मिली है, वह बहुमत मिली है गवर्नेंस के लिए, और पूरी पार्टी इसलिए मानसिक रूप से तैयार है। इसलिए आप देखेंगे मंत्रिमंडल के लिए ना बहुत ज़्यादा पार्टी के भीतर कयास नहीं है, महत्वाकांक्षा होना अति स्वाभाविक है, प्रयास करना भी स्वाभाविक है, लेकिन जोर तोर की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी अभी बची हुई है, यह दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव को पूरी पार्टी स्वीकार कर रही है, प्रधानमंत्री अपने ढंग से बताएंगे, पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जहाँ भी जरूरत पड़ती है जो परिवार के वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ सलाह मशविरा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अंततः जो कल मंत्रिमंडल आएगा वो बहुत ही संतोषप्रद ढंग का मंत्रिमंडल होगा। दरअसल इंतजार हमें भी है कि खाका ये तैयार हो रहा है, हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि लगभग तय है कि यही सूची होने वाली है, जैसे ही ये सारी चीज़ें पुख्ता तौर पर सामने हमारे आती हैं हम आपके सामने रखेंगे, और ये किसी भी वक्त हो सकता है।